एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है लार्ड शॉर्ट फिल्म चैनल की वीडियो है। लार्डो कुमुद मिश्रा रॉयल स्टेज बरेल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स। देखेंगे इस वीडियो को जो एक सजेस्टेड वीडियो है, सॉरी। तो किस तरह की वीडियो है एंड किस तरह का क्या दिखाया गया है इसमें, साथ में देखेंगे। और वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना भी मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, बाद में करेंगे बातें। शॉर्ट फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट प्लान स्टूडियो फ्राइडे फिल्म मेकर्स। फिल्म मेकर प्रोडक्शन गुड फॉर्म थॉट जाएगी। राहुल कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांता भाई तो सुनती थी फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। सही बात। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था, तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। मैजिक आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक अच्छा जी, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्या नहीं मिलती? टिकू लड्डू चाहिए या नहीं? सच में हाँ। बच्चे ऐसी तो फिर जल्दी जाओ पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके गो, रेडी फॉर द मिशन। बच्चों के सवाल सच में ऐसे ही होते हैं। वॉचमैन अंकल, अरे बाप रे। वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, अकेले चल रही है। पहुंच गए। अंकल
आला लगा हुआ है। पंडित जी नहीं है। नटखट बच्चा लिखा है। पंडित जी नहीं है। पंडित जी कैसा मंदिर है बाहर? अच्छा लॉक इधर है। अच्छा बाकी मंदिर खुला है। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, दो दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? दो दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने एक साल से कुछ नहीं खाया। एक आइडिया दूँ? आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भी पंडित बच्चा। आइडिया नहीं, खाना चाहिए खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है? नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने एक साल से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहाँ नहीं। क्यों, मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है, वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते है, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते है, लेकिन हो तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर।
कौन सा लड्डू? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। ओके बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी, तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, एंड बहुत अच्छा मैसेज दे रही थी ये वीडियो। एक छोटी सी वीडियो ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, एक बच्चे के थ्रू, बच्चे के जो क्वेश्चन थे, बच्चे की जो बातें थी, वो सही कह रहे हैं। जो वो थे ना, उन्होंने बोला कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सिखा पाई, वो भोली सी आँखों ने सिखा दिया। बिल्कुल सही बात। पहले तो ये बच्चा बहुत नॉटी, बहुत ज़्यादा, एंड सच में बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कुछ नहीं पता होता। मतलब क्वेश्चन भी क्वेश्चन निकलते रहते हैं हमेशा। आप बच्चों को देखें, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको ना मतलब जानने की इच्छा होती है। आप एक सवाल का जवाब दोगे, दूसरा, दूसरे सवाल का जवाब दोगे, तीसरा। ऐसे ही होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, रियल में भी ऐसे ही होते हैं। ये तो वीडियो में दिखाया गया है, बट रियल में भी बच्चे ऐसे ही होते हैं। उनके सवालों के जवाब देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और बहुत अच्छे से मैसेज उसमें दिया गया है कि हाँ, जो चीज़ जिस बच्चे ने बोली ना, वो रियलिटी है। हंसी आ रही थी इसकी, बच्चों की बातें पे, जो बातें ये बोल रहा था, बट कहीं ना कहीं बहुत सच बोल रहा था, बहुत ज़्यादा सच। बस वही है कि सोच का फ़र्क है, वरना कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर हम इसकी बातों को ध्यान से सुने, तो इसने बहुत अच्छा लेसन दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है चीज़ों को कि क्यों नहीं, मतलब क्यों, क्या, कैसे करके। और लास्ट में मुझे बहुत हंसी आई कि ना, दादाजी को खाना खिलाने में दादाजी ने एक साल से कुछ भी नहीं खाया है, वो करके बहुत, मतलब एक बच्चा, बच्चे की एक्टिंग भी बहुत मस्त थी, उसके बोलने का स्टाइल, उसकी सारी चीज़ें, बट बहुत अच्छा मैसेज देती है वीडियो थी। अगर इससे लोग सीखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो चीज़ इसने दिखाई है ना, एक छोटी सी क्लिप में इतना कुछ समझा दिया, जो बड़ी बड़ी चीज़ें आई थिंक नहीं समझा पाती एंड समझ में आती भी नहीं है, बट इसमें बहुत अच्छा लगा देख के। एंड जिसको ज़रूरत थी उसको पैसे भी मिल गए, एंड में जाके उसको पैसे भी मिल गए जो पैसे मांग रहा था। तो जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ मिल जानी चाहिए, और सच में बहुत अच्छा। एंड स्टार्टिंग में ही जब ये बच्चा उस अपनी जो मदर है उनसे क्वेश्चन कर रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। उनको तो बटर चिकन पसंद था, आपने आलू पूरी क्यों बनाई। और सच में बच्चों के जिस क्वेश्चन का ना ऐसे ही आंसर देना पड़ता है कि कुछ अलग ही आंसर होता है उनका, नहीं तो वो शांत नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा मैसेज देती हुई थी। एक छोटी सी क्लिप ने बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, एंड बहुत अच्छा मैसेज दिया है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत कुछ सुना होगा, समझा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सजेशन है, जो भी आपको कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए याद रखिए, ज़िंदगी का फलसफा है यही, प्यार बांटिए। No, fit me.